मजदूर के बगैर इकोनॉमी नहीं है। ये लॉकडाउन किसके लिए? जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति है। लालू यादव जी का इतिहास था, है, रहेगा। बिहार सरकार ने पैसा नहीं दिया, हमारे लोगों ने पैसा भर करके ट्रेन से बच्चों को लाया। अरे नीतीश बाबू, आपने 3 लॉकडाउन में क्या किया? क्वारंटाइन में एक व्यक्ति पर 2100 रुपया खर्च, वो 2100 रुपया मजदूर को दे दो, एक भी मजदूर घर से नहीं निकलेगा। नमस्कार, मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं भारत फोकस। भारत फोकस पर आज हम जिससे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजनेता कहें या समाज सेवी, ये सोचना बड़ा मुश्किल काम है। गरीबों के, मजदूरों के मसीहा के तौर पर उभरे हैं श्री पप्पू यादव जी, जनाधिकार पार्टी के मुखिया। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विवाक विवेक के साथ। नमस्कार विवेक जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा, एक राजनेता से कहीं ज़्यादा आप एक समाज सेवी के तौर पर पिछले दिनों से उभर करके सामने आए हैं। पटना बाढ़ में आपको लोगों ने देखा और इस त्रासदी में मजदूरों के लिए जहां कोई खड़ा नहीं हो रहा है वहां अकेले आप खड़े हैं, अकेले आप सब कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, राजनीति का मतलब ही सेवा है, समर्पण है। मानवता के बगैर, इंसानियत के बगैर अब राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। समाज शास्त्र है तो राजनीतिक शास्त्र है। लोकतंत्र की परिभाषा ये है मानवता। मैं तो एक सेवक हूँ, बेटे की तरह हूँ। राजनीति का मतलब लूट नहीं है, कमाना नहीं है, लूटना नहीं है, ऐसो आराम की जिंदगी नहीं है। बड़ी उम्मीद सपने बेच के, किसान अपनी जिंदगी बेच के, मजदूर अपने खून से, युवा अपने उम्मीदों को, सपनों को, सब कुछ को बेचता है, तब जाकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है। अब आप सोचिए उसमें कितना ट्रस्ट होता है, कितना भरोसा होता है, कितना विश्वास होता है। आप उस विश्वास को ख़त्म कर देते हैं, ना कोई मानवता होती है, ना कोई एक विश्वास बचता है। तो मेरा धर्म क्या कहता है? कोई भी राजा, शिव, नानक, कृष्ण, राम, कभी कोई भी राजा अपने प्रजा के न्याय के लिए, सर्वे संतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, उसकी प्रजा खुशी रहे, सुखी में रहे, सर्वोच्च न्याय की उम्मीद करें, बिल्कुल इक्वालिटी हो, एक बैलेंस हो, एक बैलेंस हो, बिल्कुल गैर बराबरी ना हो, तो आप पप्पू यादव एक सांसद एमएलए के रूप में या एक इंसान के रूप में हमारा क्या दायित्व? हम अपने दायित्व का निर्वहन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस धर्म का निर्वहन कह के आप अपना काम कर रहे हैं, जो सरकार चुनी हुई होती है, जिसको आप राजा कह रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। उसने अपने मजदूरों को दिल्ली में, अलग अलग शहरों में लाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने एक तरीके से छोड़ दिया। कोटा में बच्चे इतने दिनों तक फंसे रहे, मुख्यमंत्री की से एक जवाब नहीं निकला, ना मुख्यमंत्री ने उसके लिए कोई प्रयास किया। आपने तो 30 बसों की व्यवस्था कर। देखिए, 50% दौलत 1% लोगों के हाथ में, अब 28% दौलत 1% लोगों के हाथ में जी। मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, बहुत फर्क है हमारे देश में आम और खास में। हमारा कानून, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी इकोनॉमी, ये यदि आप देखेंगे
तो इससे पता चलेगा कि आसमान और पताल का फर्क। बिल्कुल, हमारा देश में पूजा भी जो होती है वो किसकी होती है? उगते हुए सूरज को। क्यों सर्प की पूजा होती है? ताकतवर लोगों की पूजा क्यों होती है? पूंजीपतियों की पूजा क्यों होती है? गरीबों की पूजा क्यों नहीं होती? मजदूर जो जिंदगी का अहम हिस्सा है, मजदूर के बगैर इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी के आधार स्तंभ है, मजदूर के बगैर आपके कोई पुर्जे नहीं बनेंगे, घर नहीं बनेंगे, साइकिल नहीं बनेंगे, गाड़ी नहीं बनेंगे, मोबाइल के पुर्जे नहीं बनेंगे, कपड़े नहीं बनेंगे, चूल्हा नहीं बनेंगे, मॉल नहीं बनेंगे, दुकान की कोई चीज़ें नहीं बनेगी, पूरी नींव मजदूरों पर है। किसान रिफॉर्म नहीं करेगा, मजदूर और किसान, और आप मजदूरों की स्थिति आप देखिए, जो हालात हैं, आप जिस बारे में आप जानना चाहते हैं, हमारी कोई भी पॉलिसी आप देखिए, अभी जो हम लगातार, हम 6 साल की बात आप कर रहे हैं, नोटबंदी, GST, ब्लैक मनी, आप किसी चीज़ को आप उठा के देखिए, क्या हुआ 15,000 रुपया, क्या हुआ 15 लाख रुपया, क्या हुआ स्विस बैंक, आपने किसको खड़ा किया, किसको मारा, किसने आत्महत्या की, क्या हुआ पूंजीपतियों का, कौन मरे इसमें, कौन मरे, कौन सड़कों पर है, कोरोना वायरस में कौन मरे, आप हमको ज़रा बता दो। कोई पूंजीपति मरा, कोई ट्रेन से कटे, सब ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रही है। ये लॉकडाउन किसके लिए? कितने दिनों के बाद 15 लाख लोगों को लेके आप आए कोरोना वायरस, आप पहले उसी को रोक देते? बिल्कुल, ये क्वारंटीन आप लाए भी तो आप उनको लाओ, अभी भी आप लोगों को ला रहे हो, लाने के बाद भी सरकारों ने जो व्यवस्था की है खाने पीने की, भैया आप 23 जनवरी के बाद, आप जनवरी में कोरोना वायरस पहला आया, बिल्कुल, आप बारातियों को लाए, नमस्ते ट्रंप किए, जहाँ जहाँ आप ले गए, दिल्ली लाए, अहमदाबाद ले गए, आगरा ले गए, आपने परोसा, किसने परोसा, 500 से शुरू किया, 70,000 पर है, आप कह रहे हो मैं ठीक कर रहा हूँ, बार बार हो रही है कि लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं है, आप जांच की व्यवस्था करते, आप किट्स बहुत बात, आप पीपी आपके पास नहीं, आपने प्राइवेट नर्सिंग होम को नहीं लिया, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास किट्स नहीं था, आपने जांच को नहीं बढ़ाया, 130 करोड़ की आबादी में जांच कितनी होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया, समय पर आपने व्यवस्था नहीं की, आपने कोई प्लानिंग नहीं किया, आप जो आज अफरा तफरी है, रोडों पर लोग हैं, आज जो हायतोबा मच रही है, बिजली पानी काट दिया गया मजदूरों का, प्रशिक्षित बेरोजगार की नौकरी चली गई, आधी नौकरी चली गई, आधे के तनखे कम कर दिए गए, लोग घर जाने के लिए पहली बार घर का एहसास हुआ लोगों को कि घर क्या चीज़ होती है, ये लॉकडाउन किसके लिए? उन 20% लोगों के लिए जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति है, जिसके पास 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने की साल भर का राशन पानी है, पैसे की व्यवस्था है, जो 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया डेली कमाने वाले लोग हैं, उसको 2 महीना बैठा दोगे और बोलेगो, आप बोलेंगे 500 ले लो, 5 किलो अनाज ले लो, 1,000 रुपया ले लो, ये MLA MP मंत्री का बेटा 9 रुपया 28 पैसे में खाएगा, 1 किलो दाल देंगे, दाल हम नहीं देते हैं, आप सूरत में मार रहे हो, हरियाणा में मार रहे हो, ठेकेदार मार रहा है, किराए मांग रहे हो, आपने किराया माफ़ नहीं किया, आप कर रहे थे तो आप पहले मजदूरों को 15 दिन का छूट देते घर जाने का, आप सारे छात्रों को बोलते ही आप जाओ, आपने वो व्यवस्था नहीं की, आप छात्रों को भेजने की व्यवस्था करते, आप अभी जो कर रहे हो मेरे पास संसाधन नहीं है, ट्रेन नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो मुझे तो आश्चर्य लगता है, मैं सोचने में परेशान हो जाता हूँ, इतना बजट है 17 लाख 28 लाख करोड़ रुपये का बजट है, आपको उस बजट में मजदूरों के पास पैसा नहीं है? नहीं, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन ने आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। पीएम कर इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि आप लोकल के लिए वोकल बनिए। पीएम केयर्स फंड का पैसा कहाँ जा रहा है?
मुख्यमंत्री फंड्स का पैसा कहाँ जा रहा है? 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.25 लाख करोड़ रुपये के फंड में हरियाली यात्रा का 24,000 करोड़ का फंड है नीतीश कुमार का। मजदूरों के लिए 300 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया फंड नहीं निकला इनका। जब आप मानव श्रृंखला में 20 करोड़ का हेलीकॉप्टर लाते हो और रैली के लिए मोदी जी 100 करोड़ रुपया आपकी खर्च होती है, विदेशों पर 500 करोड़ रुपया खर्च होता है, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च होता है, शराब के पर नीतीश बाबू 200-300 करोड़ रुपया खर्च करते हो, तो फिर 37 दिनों तक बच्चों को टॉर्चर कोटा में और अन्य जगह क्यों क्यों? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल। मजदूर जब 1.5-2 लाख मजदूर पैदल फोका, आत्महत्या कर रहा है बच्चे, मानसरोवर में बच्चे आत्महत्या कर लिया घर जाने के लिए, हरियाणा में कर लिया, महाराष्ट्र में कर लिया, मजदूर जब अपने अधिकार के लिए खाना मांग रहा था, घर जाने की बात कर रहा था, तो आप उस पर आंसू गैस और लाठी चला रहे थे, जेल भेज रहे हो, आप मजदूरों को थाने में बुला के पीटते हो, आप मजदूर अपनी बीवी को लेकर के रिक्शा पर, ठेला पर जा रहा है, साइकिल पर जा रहा है, प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म नहीं दे पाई और उसकी पत्नी मर गई, तमाम तरह के ऐसे एग्जांपल है। ये जो हालात है, माथे पर मोटरी, कमर पर बच्चे, पैर में छाले, आंख में आंसू, ये सोशल डिस्टेंस है। एक घर में 100 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी मजदूर रहता है, ये सोशल डिस्टेंस है क्या? सोशल डिस्टेंस है पप्पू यादव के घर में, MP MLA के घर में। ये 700 MP MLA जब नर्स, कर्मचारी, डॉक्टर, सिपाही काम कर सकता है, तो MP MLA घर में क्यों सोया हुआ? इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जब आप 400-300 बस रैली में लाते हो अपने आका को खुश करने के लिए और बाय का नाच, सब का नाच आप करवाते हो, 100 करोड़ रुपये खर्च करते हो जिला परिषद के चेयरमैन पर, कोरोना वायरस के पहले सरकार गिरा दिए मध्य प्रदेश का, सरकार बना लिए 1,000 करोड़ रुपया दे करके, और इस जिसके कारण आपको लॉकडाउन में देर हो गई, नमस्ते ट्रंप में लॉकडाउन में देर हो गया, आपको जिस वक्त करना चाहिए और जो तैयारी करनी चाहिए थी मध्य प्रदेश और नमस्ते ट्रंप के चलते नहीं कर सके, 100 करोड़ रुपया तो आपको उस पर लग गया। अभी आप 20 लाख करोड़ रुपये का घोषणा किया, 8 लाख करोड़ तो पहले कर दिया, 17 लाख करोड़ रुपया आपकी आमदनी है, 30,000 करोड़ रुपया मजदूरों के खाने पर आता, तो 1.5% रुपया भी मजदूरों पर नहीं आता। लेकिन खाने की व्यवस्था हो कहाँ रही है? बिहार के क्वारंटीन सेंटर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हालात दिख रहे हैं मजदूरों को, जो भी लोग वहाँ क्वारंटाइन हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ, आप 1,000 रुपया 1,000 रुपया, ये हर एक माल दुट्टका, ये क्या है? जानवर हैं क्या? बंधवा मजदूर हैं क्या? संसाधन पर किसका अधिकार है? किसानों का, सबका, सारे नागरिकों का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार है अधिकार है मजदूरों का, जो गरीब है, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कामगार हैं, किसान का। बिहार में 12 करोड़ की आबादी है तो 8 करोड़ किसान है। 12 करोड़ से ज्यादा है, बिहार सरकार ने तो दावा कर दिया कि हमने 10 करोड़ 11 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर दी। सर मुझे तो समझ में नहीं आता है, उनसे आप जरा पूछिए कौन से थर्मामीटर और जीविका दीदी से स्क्रीनिंग कर लिया उन्होंने। सबसे कम जांच, भीख मांगते मांगते थक गए, ना तो विशेष राज मिला, यही मोदी जी आरा में कहते थे कितना लोग है, 80 लाख 90 लाख 60 लाख, कितना, 1.25 लाख कह दिया, हम रोड में दे दिए, इतना दे दिए। हमको समझ में नहीं आता है, हम कभी किट्स मांगते हैं, कभी वेंटिलेटर मांगते हैं, कभी विशेष पैकेज मांगते हैं, खाना तक मांगते हैं, कभी हम लेकर के दोनों पार्टियां लड़ जाती हैं। 37 दिनों तक कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण हम नहीं ला रहे हैं, अब फिर कहते हैं संसाधन नहीं है। इसका डिप्टी CM है जो पानी में घर छोड़ के भाग जाता है हाफ पैंट पहन के अपनी बीवी के साथ, पड़ोसी को भी अपने घर में गार्ड को खाना नहीं दे पाता है, आपको आश्चर्य होगा। भैया मैंने दुनिया में सब कुछ देखा, 50 दिन से ऊपर होने चला है, 2 महीना से ऊपर, आश्चर्य होगा आपको कि सुशासन बाबू का आत्मा परिवर्तन नहीं हुआ, इनके मंत्रिमंडल का, इनके किसी MLA का, ना विपक्ष का, कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ गायब हुए? संकट के क्षण में ये MLA, MP, मंत्री, विपक्ष कब कहाँ भाग जाते हैं? बाढ़ में सत्ता पक्ष विपक्ष गायब, बिल्कुल, चिमकी बुखार गायब, कोरोना वायरस गायब,
सुखार आया गायब, सूखे में 100 लोग मर गए गायब। विपक्ष और तेजस्वी यादव तो ट्वीट पे खाली दिख रहे हैं भैया, अब पटना पहुंचे हैं। मुझको समझ में नहीं आता कहाँ है और पटना में क्या कौन कहाँ है। देखिए ना समझ और बच्चे का खेल नहीं है, कठपुतली का खेल नहीं है। लालू यादव जी का इतिहास था, है, रहेगा। ये घर घर का खेल नहीं है, समाज सेवा और राजनीति। किसी बाप के इतिहास पर दुनिया का इतिहास नहीं बनता। किसी व्यक्ति का इतिहास हो सकता है, उस व्यक्ति के इतिहास पर खानदान का इतिहास नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। विधानसभा से गायब, सब जगह से गायब। अरे यार, पानी में जात को खुश कर लेते हैं, कोरोना वायरस में कहाँ गायब हो गए। दलित, अत्यंत पिछड़ा, जादव, सबसे ज्यादा तो यही परेशान है, ट्वीट कर रहे हैं। गरीब लोग ही तो हैं। तेजस्वी यादव ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं और देखिए, मैं किसी का बिरयानी खिला रहे हैं। मेरा आग्रह है कि एक फोटो छपा लेना, एक दिन 15 दिनों में एक ठो बंदर के हाथ में लड्डू, एक दिन किसी चीज़ों की फोटो छपा के झकास की बीमारी। कभी आपने किसी जनता के बीच में, किसी गरीब के बीच में किसी MLA MP मंत्री को 50 दिनों में देखा? किसी को, किसी को ले आइए आप। कोरोना वायरस का डर इन्हीं मंत्री, मुख्यमंत्री, आप अन स्टेट के मुख्यमंत्री को भी काम करते हुए देखे होंगे, ममता बनर्जी को सड़क पर देखे होंगे, बिहार के किसी MLA MP मंत्री को देखा? यहाँ पर किसी दिल्ली में MP इतने बड़ी, क्या जरूरत पड़ी पप्पू यादव को 50 दिनों तक लगातार लगभग बिहार, UP, झारखंड, बंगाल के लगभग मजदूरों के हर घर पर जाके 5 किलो बिल्कुल आटा, पहले दिन दाल, चावल 500 रुपया, लगभग 22,000 अकाउंट में 500-1500 रुपया बाय अकाउंट हमने भेजा है, अकाउंट के द्वारा भेजा है, उसकी पूरी प्रूफ है। और लगभग सभी स्टेटों में सभी जगह लोगों ने खाना पहुंचाना, जहां भी मजदूरों के साथ जुर्म है वहां लोग खड़े हुए, बच्चे जहां आवाज़ दिए। मैं धन्यवाद दूंगा कोटे और विजयवाड़ा, केरल, बंगलोर के बच्चों को, सब जगह के बच्चों को, जिनके आवाज़ के साथ हमारे लोग खड़े हुए। बिहार सरकार ने पैसा नहीं दिया, हमारे लोगों ने पैसा भर करके ट्रेन से बच्चों को लाए। अब आप सोचिए कि हम हर चीज़ों में बचकाना नहीं करें। राजनीति आज नहीं है, कोरोना वायरस राजनीति का खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। आज संवेदना की जरूरत बची है, राजनीति में संवेदनाएं बची हैं। सर, हर घर में भूख से लोग परेशान हैं। नीतीश बाबू ने तो इतना तबाह कर दिया, पहले तो सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन को लेकर के तबाह किया, अभी कह रहे हैं और बढ़ना चाहिए। अरे नीतीश बाबू, आपने 3 लॉकडाउन में क्या किया? आपके यहाँ बच्चे मर गए माँ की गोदी में, बिल्कुल, कोरोना क्वारंटीन में 4 आदमी मर गए, आपके यहाँ आत्महत्या किया, आपके यहाँ भूख से लोग मरे, आपके यहाँ पैदल जाके लोग मरे। आपसे मैं जानना चाहता हूँ नीतीश बाबू, जांच कितनी हुई? आपको जांच से डर क्यों लगा? मां 40,000 और अब लगभग 38 जिले में फैल गई। लॉकडाउन जब इतने दिन हुआ तो और घटना चाहिए ना। जहां पहला दिन मुंगेर में हुआ था वहां और ज़्यादा बढ़ गया। आप जो कह रहे हो कि इतने दिनों के अंदर होगा, तो हम जानना चाहते हैं, हमको भी तो बताइए, आपकी नींद कुंभकर्ण की इतने दिन आपको सूरज लगा, आप कहाँ हैं? 20 अप्रैल के बाद लगा 5 किलो देना चाहिए, अभी आपकी रामविलास जी से झगड़ा चल रहा है, ट्वीट ट्वीट का खेल खेल रहे हैं। लोजपा के अध्यक्ष चिराग जी कह रहे हैं कि 20 लाख लेबर मजदूर का नाम ही नहीं है, मांगते हैं तो देते नहीं है, 14 लाख हम कहां से देंगे कि राशन कार्ड। आप रामविलास जी से भी बात नहीं करते हैं तो आप करते किससे होंगे? सिर्फ सुशील मोदी से, बिना पेंदी, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनकी वजूद ही लालू यादव और लालू यादव के खानदान पर टिकी हुई हो। 15 साल आप रहे हैं, अब आप अपनी 15 साल बताइए ना,
15 साल जो डरावना नाम था, डर था, वो छोड़ दीजिए। 15 साल जो आप महा डरावना, आपने 70, आप खुद कह रहे हैं 70 लाख मजदूर बिहार से बाहर है, 27 लाख अप्लीकेशन आपके पास आ चुका है, और आप कह रहे हैं एक सप्ताह के अंदर लाइए, तो 35,000 लगभग ट्रेन लगेंगे, 3,500, और दिल्ली से 1,000 लगेगा। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट लगेगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और सब गवर्नमेंट आपको कर रही है लाने के लिए, और आप अरविंद केजरीवाल जी पैसा दे रहे हैं तब भी आप लड़ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं कर रहे हैं, क्वारंटाइन के दिन अंतिम दिन हम आपको दे देंगे, और आपके क्वारंटाइन में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है, ना तो वहाँ पर जाँच है, ना तो डॉक्टर है, ना सुरक्षा है। अन्य जिले में जब कोई क्वारंटाइन नहीं है, जाँच करके जिसको पॉजिटिव है रखा जाता है, नहीं है तो उसको घर भेज दिया जाता है, फिर आप मजदूरों को क्यों डरा रहे हो, क्यों आप तंग करने की नीयत कर रहे हो ताकि मजदूर कोई ना जाए? जब ऐसे ना डराओ तो ऐसे डराओ, भैया से ने जीती तो भौजी के बारे में जो कहावत है गांव घर में, काहे एसी वाले जाएंगे ट्रेन तो सीधा घर जाओ, अन वीआईपी जाएंगे तो घर में क्वारंटाइन होंगे, मजदूर होंगे जाएंगे तो जहाँ पर ना खाना है, ना सुरक्षा है, ना बाथरूम है, ना डॉक्टर है, ना फीवर जांपने के लिए मशीन है, 21 दिनों में इतना हालत खराब कर दो, एक दिन में एक क्वारंटाइन में एक व्यक्ति पर 2100 रुपया खर्च है, तो एक काम कीजिए 2100 रुपया भी तुम खर्च नहीं कर रहे हो, सब लूट हो रही है, वो 2100 रुपया मजदूर को दे दो, एक भी मजदूर घर से नहीं निकलेगा, या जहाँ जहाँ मजदूर है उसको 2100 रुपया पहुँचा दो, 44,000 रुपया होगा 2 महीने। सत्ता और सरकार पर दबाव बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विपक्ष की, और ये विपक्ष की वो मुखर आवाज़ है जो अपनी एक छाप छोड़ करके जाती है, और जो सवाल खड़े करती है वो सत्तारूढ़ों के लिए काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। फिर भी चूंकि एक मौका है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए मैं उससे जोड़ करके शायद आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो मुद्दा, ये महामारी, जो ये संकट, ये मजदूरों का जो मुद्दा है, क्या आने वाले चुनाव में बिहार का एक सबसे बड़ा मुद्दा भी बनेगा? देखिए अभी सवाल चुनाव का नहीं है, लोग तो अभी से ख्वाबी पलाव शुरू हो गए, मुख्यमंत्री बनना है, कोरोना वायरस की चिंता नहीं है, मौत की चिंता नहीं है, संकट की चिंता नहीं है, अभी से इसकी बात नहीं है, बिहार की स्थिति क्या उस पर नहीं है, मजदूर कितने मर गए, मजदूरों के हालात क्या होंगे, मजदूर को रोज़गार मिलेगी कि नहीं, लाखों यूथ बेरोज़गार हो गए उसका क्या होगा, लघु कुटीर उद्योग का क्या होगा, अंतिम मई के पहले किसानों को बीज और खाद मिलेंगे कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं है, नियोजित शिक्षक लगभग 16 डेथ कर गए, आत्महत्या कर लिया, उस पर चर्चा नहीं है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है उस पर चर्चा नहीं है, सेविका की स्थिति अच्छी नहीं है उस पर चर्चा नहीं है, आप उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। अभी ये कोरोना वायरस कितने दिन चलेंगे, कितने दिन हम लोगों को परेशान करेगा, इस पर चर्चा नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का सपना और चुनाव के तरीके, सुशासन बाबू का अभी DNA ठीक ठाक चल रहा है, खराब, अब जब बिहार का DNA खराब हुआ तब सुशासन बाबू का DNA इतना गंदा, ये लोग गोबर है, गोबर सब, आप कितना घी डालिएगा गोबर पर, महक गोबर की आएगी, देखिए ये सेंसलेस लोग हैं, सेंस नहीं है, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, आप इसको समझिए, आज पप्पू यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि देश भर में जो मजदूर और प्रशिक्षित यूथ है उसको घर कैसे पहुँचे, क्योंकि लोगों की परेशानी घर पहुँचना है, दूसरा सबसे बड़ा उससे ज़्यादा चिंता है कि लोग भूख से परेशान ना हो, भूख से ना मरे, कम से कम मैं, औकात मेरी नहीं है, मैं पैर की धूली हूँ, पान न पान की डंटी लेकर के एक सेवक की जिम्मेदारी, बेटे की तरह खड़े रहने की जिम्मेदारी, जो फर्ज है वो मैंने निभानी की कोशिश मैंने की। बिल्कुल, आप इस भूमिका को बड़े अच्छे तौर से निभा रहे हैं। मैंने आज वित्त मंत्री जी, अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल से अभी बोल ही रही होंगी, वित्त मंत्री जो 22 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार ने घोषणा की है, उसमें क्या आपको लगता है कि मजदूरों के लिए, बिहार के लिए कुछ खास होने की उम्मीद आपको दिख रही है? देखिए 15 साल 6 सालों से डबल इंजन की सरकार, उसके पहले UPA की सरकार, ये हालात 15 सालों के अंदर दोनों मिलके, ये जो आज 70-80 लाख पलायन हुआ, ये पलायन की स्थिति किसने की, बीमारी के लिए बाहर, पढ़ने के लिए बाहर, नौकरी के लिए बाहर, आज जो हम
गाली बोली लात, बिहारी का मतलब लात बोली गाली। पहले बाढ़ में हम परेशान होते थे तो लोग को समझ में नहीं आती थी, चिमकी बुखार में नहीं आती थी, यहाँ नहीं आती थी। कोरोना वायरस जो हर घर में इस बार परेशानी हुई तो पता चला कि दर्द क्या होता है, पीड़ाएँ क्या होती हैं। बिहार को इस बार कितना यातना दी गई पूरे देश में, बिहारियों के लिए इस बार सबक है और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। यही बिहार उत्तम बना सकता है दुनिया में, बिहार को, यही बिहारी। हम चार फसल पैदा कर सकते हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बेस्ट गवर्नमेंट की आवश्यकता है। मैं, आप उम्मीद मत करिए, यदि आपको होती तो आपको सबसे पहले बड़ा पैकेज 10 से 15 हज़ार रुपया मजदूरों के अकाउंट में डालना चाहिए। रोजगार बेरोजगारों के सवाल पर खड़ा होना चाहिए कि मैं उसको परचेजिंग पावर एक व्यक्ति के हाथ में जब तक नहीं दीजिएगा तब तक बाजार कहाँ से बढ़ेगा। आप 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, पाकिस्तान 24 रुपया डीजल कम कर दिया, जब पानी औने पौने दाम में है, पानी से भी कम में डीजल बिक रहा है, तो हम यहाँ पर 7.5 रुपया डीजल बढ़ा दिए। एक तरफ आप महंगाई और किसानों पर और गरीबों पर लात मार रहे हो, चोट कर रहे हो डीजल और पेट्रोल डीजल से, दूसरी तरफ आप घोषणा करोगे ये भी पैसा एक तरफ माफ़ करते हो 64,000 करोड़ का, तो आप क्या उम्मीद करते हो। महाराष्ट्र सरकार ने कहा 31 मई के पहले बीज हम पहुंचा देंगे, जीएसटी का पैसा किसी भी स्टेट को आप नहीं दे रहे हो। बिहार में जीएसटी का घोटाले का सवाल खड़ा हो रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या होगा, आप हमको जरा बताओ। और बिहार तो लंबे समय से विशेष राज और विशेष पैकेज की बात कर रहा है, बंद उद्योग की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर हम किस पर होंगे। प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए ग्लोबल विलेज की बात क्या हुई प्रधानमंत्री जी। अब जो आप कह रहे हो अपना खुद, आप तो सबसे ज़्यादा विदेश घूमे हो, सबसे ज़्यादा ग्लोबल विलेज की बात करते थे, और अब आप कह रहे हो घरेलू स्वदेशी। तो 500 करोड़ रुपया आप पर खर्च हुआ है, 1,000 करोड़ रुपया, अब ग्लोबल विलेज का सपना क्या हो। तो सुना आपने, पप्पू यादव जी जो सवाल उठा रहे हैं वो बेहद जमीनी और बेसिक मुद्दे हैं। सवाल भूख का है, भूखमरी का है, बेरोजगारी का है, लोगों के रोजगार का है, मजदूरों के अपनी ज़मीन पर वापस लौटने का है, और इन सब कुछ से जो सवाल ये जुड़े हुए हैं इनका जवाब सत्ता से उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए, और शायद यही वजह है कि विपक्ष इस वक्त ज़्यादा मुखर है। विवेक के साथ बेवाक के इस कार्यक्रम में पप्पू यादव जी ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी पूरी बात रखी है। ऐसे ही हम अगली बार फिर किसी एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।